चल चल चल, 14 सेकंड रह चुके हैं। तो ये हमने लेवल को सही से यहां पे मार किया। 10 सेकंड रह गए, अबे ऊपर जाना यार, अभी नहीं मैं लॉस चाहता जी। तो वेरी गुड, कमाल की कंपाउंडिंग जा रही है। तीन तीन डाउन। ओ ओ शिट, ओ कितना बेवकूफ हूं यार मैं, व्हाट द हेल। मेरे काम देखो यार। तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, हमारे अकाउंट में $10 पड़े और आज की वीडियो है कंपाउंडिंग के ऊपर। हम फुल फुल डॉलर की ट्रेड लेंगे, यानी कि कंपाउंडिंग करेंगे। मैं बता दूं कि मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग कंपाउंडिंग करो, मैं नहीं चाहूंगा मैं भी करूं, मैं नहीं चाहूंगा मेरा कोई भी बिगिनर भाई कंपाउंडिंग करे। अब मैं फिर क्यों ये आज वीडियो बना रहा हूं? मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किए, अली भाई कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत से लोग $1 से 5,000 ले जाते हैं, $10 से $10,000 ले जाते हैं। इसके पीछे क्या रियलिटी है, वो किस तरह करते हैं? देखो, ये वही लोग करते हैं जिन्होंने आपको स्कोरस देना है, वो कंपाउंडिंग कर रहे हैं, एक भी लॉस नहीं हो रही, टोटली प्रॉफिट। आपको पता, जितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं है, जितनी भी अच्छी, अगर 10 ट्रेड ले रहा है उसमें से उसकी 7 प्रॉफिट और 3 लॉस होंगी, तो कंपाउंडिंग कैसे ठीक हुई? चलो बहरहाल इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो हमारे पास $10 है, तो जहां पे हम कंपाउंडिंग करते जाएंगे और जहां पे हमारा लॉस होगा, फिर मैं आपके सामने दोबारा डिपॉजिट कर लूंगा, ठीक है? उसके बाद हम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे। बस आज मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कंपाउंडिंग में कितना इंसान प्रॉफिट कर लेता है। तो आते ही मुझे 3 सेकंड की अच्छी ट्रेड मिली है डाउन डायरेक्शन के लिए, जो कि मैंने प्लेस भी कर दिया, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की प्लेस कर दी। यहाँ पे मैं रीजन भी सारा कुछ आपको बता देता हूँ। ये मेरा लेवर रहा और यहाँ पे देखो एक हैम्बर किस जगह पे बना है। अब ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी होना है। अगर तो ये इस कैंडल को रेड कैंडल क्लोज करता है या फुल्ली इसको कवर करने आता है तो भाई फिर भी प्रॉफिट है, लेकिन लास्ट सेकंड में पंप ना कर दे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इसको रेड के लिए आना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह श्योर श्योर पहले ही प्रॉफिट जा रही है, 3 2 1, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट हो चुकी है, ठीक है? अब यहाँ पे हम 19 कर लेते हैं, पूरी पूरा अमाउंट लगा रहे हैं। ये कंपाउंडिंग वही लोग दिखाते हैं। देखो, आपने देखा होगा $1 से जो ट्रेड कर रहा है उसने 5,000 तक लेके एक भी लॉस नहीं हुई, फुल फुल अमाउंट लगा रहा है। ये वही लोग करते हैं, उन्होंने अपनी फक्की बेचनी है, कोरस बेचने है, यानी कि सिग्नल देने हैं। मैं ना तो सिग्नल देता हूँ, ना ही मुझे कोई कोरस बेचने की जरूरत है। मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाता हूँ। ये कंपाउंडिंग की भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। $10 से ट्रेड करो, मुझे मेरे लिए बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाइयों, मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग इस चीज़ों को समझ जाएं। लोग कैसे अकाउंट को एडिट कर करके आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जो रियल कंपाउंडिंग करते हैं वो 10 प्रॉफिट कर लेंगे, 20 प्रॉफिट कर लेंगे, वहां पर रुक जाएंगे, फिर वो कंपाउंडिंग बंद कर देंगे। लेकिन जो $1 से $10 से कंपाउंडिंग लेके जाते हैं वो झूठा आगे चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने 19 कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है? ओके जी, नीचे कैंडल नहीं आई तो यहाँ पे हम वेट करेंगे। ओए होए, कितनी हैवी, यहीं पे हाफ में मैं ट्रेड ले रहा हूँ अप ट्रेंड के लिए, ठीक है? हाफ में मैंने लिया, ठीक है? क्योंकि कैंडल का पावर भी बहुत ज्यादा, और जो ये जो कैंडल है इसके अंदर बायर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? लास्ट सेकंड में इसको, इसने ऊपर जाना ग्रीन के लिए, उसके बाद रेड के लिए जाना, ठीक है? यहां तक तो इसको आना ही पड़ेगा, ठीक है? और मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टार्टिंग में भी कोई कंपाउंडिंग में लॉस हो। 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 1 1। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट होगी। जहां पे निशान लगाया था वहीं से कैंडल ऊपर गई ही नहीं है, दिस इज अ नॉलेज, यहां पे लगाया, ये भी प्रॉफिट होगी। तो ठीक है जी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शोर शोर 3 प्रॉफिट अच्छी हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं 360 और 36 के साथ, ठीक है? तो अभी जरा बड़ी सोच समझ के लेनी है, मैं नहीं चाहूंगा ये भी लॉस हो, ठीक है? और मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस कंपाउंडिंग के देखे जाके भाग जाओ। मुझे पता है ना यार, ये कंपाउंडिंग में पहले पहले करता था लेकिन अब नहीं करता, ठीक है? ये थोड़ा सा टाइम और वेट करेंगे, और ये स्पोर्ट यहाँ पे एक बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है? और मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है? लो यार, ज्यादा ये नीचे लगी, ठीक है? अब मैं इस लेवल को अच्छे तरीके से मार्क कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, इसको ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ऊपर लेवल है यहाँ पे, ठीक है? और एक लेवल हमारा यहाँ पे है, दूसरा लेवल ही हमारा खराब हुआ पड़ा है। चल चल चल, 14 सेकंड रह चुके हैं। तो ये हमने लेवल को सही से यहाँ पे मार किया। 10 सेकंड रह गए, अबे ऊपर जाना यार, अभी नहीं मैं लॉस चाहता
जी आज तो वेरी गुड, कमाल की कंपाउंडिंग जा रही है। लास्ट सेकंड में भाई साहब कितना पंप कर गई। बात रीजन था ये ट्रेड लेने का, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये ट्रेड किस बुनियाद पे ली गई है। यहाँ पे मेरा लेवल था, ठीक है, सेलिंग का सपोर्ट था, बायर का रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल के ऊपर विक छोड़ी गई थी, लेकिन जहां पे ये जो विक थी इसका पेंडिंग पार्टी रिकवरी भी होना था और ऊपर भी एक लेवल था, ठीक है। तो ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट हो चुकी है। अब जो हमारी ट्रेड रहेगी कितनी है हमारी, एक दो तीन, तीन हमारी लगातार प्रॉफिट जा रही है, 68 का जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेड रहेगी ये इंशाल्लाह। ऊपर एक स्पोर्ट है 10 सेकंड के लिए, नहीं, 10 सेकंड की बहुत खतरे वाली होती है, वो हमने नहीं लेनी, ठीक है, वेट करेंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लेवल बना हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करेंगे और लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। ऊपर एक और लेवल है, ठीक है, ऊपर वाले लेवल के अगर ना पहुंची तो हम पहुंचाएंगे इसको, ठीक है। ऊपर हमारे पास एक और लेवल है, इस लेवल को ये नीचे क्लोजिंग ना दे, लेकिन दे भी दे तो पेंडिंग पार्टी रिकवरी तो इसने करना करना है। एक हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, 15 सेकंड पड़े हुए हैं टाइम को, 1 मिनट अभी यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, 1 मिनट यहीं पे मैं लास्ट सेकंड में ले रहा हूँ, 1 मिनट। अबे यार ऊपर ज्यादा लग गई, मेरे साथ हमेशा यही होता है, ट्रेड लेनी कहाँ पे होती है, लग कहाँ जाती है। चलो 1 मिनट के लिए इसीलिए लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर पेंडिंग पार्टी रिकवरी होती तो ये भी हमारी प्रॉफिट हो गई, अगर लॉस हो गई तो फिर हम आपके सामने दोबारा डिपॉजिट करेंगे। तो पाउंडिंग तो बढ़ गई इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे अगर तो ये ग्रीन कैंडल नहीं बनाएगी, अगली ने तो बनना ही बनना, लेकिन चलो इसकी बन जाएगी, चलो हमारा कंपाउंडिंग लगातार चली जाएगी। चलो चलते हैं, देखते हैं भाई, 30 सेकंड पड़े हुए हैं और ये चली गई, और ये चीज मेरे अजीज उल अजीम, ये चीज, लेकिन ये फिर आ गई और ये प्रोग्राम ऐसा क्यों होता है यार। अभी 20 सेकंड पड़े हैं और मार्केट ऊपर वाला लेवल तोड़ देगी तो हमें खतरा नहीं है, ये लेवल तोड़ दे बस, लेकिन लेकिन नहीं तोड़ना। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या, तोड़ दे, अबे कंपाउंडिंग है यार, अबे तेरा 5 4 3 2 1 और बॉम जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कंपाउंडिंग जो है लॉस हो गई है, आपके सामने है यार। देखो लोग, जब लोगों का ऐसा लॉस होता है तो वो क्या करते हैं, अकाउंट को एडिट करेंगे, करके वही अमाउंट दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे क्या जरूरत है, मुझे ना तो अपना कोई कोरस भेजना, ना तुम्हें कोई सिग्नल देने हैं, तो मुझे तुम्हें मीठा दिखा के खट्टा क्यों लूं तुमसे, ठीक है। तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंपाउंडिंग जो है वो बढ़ गई है। अभी हम आपके सामने दोबारा डिपॉजिट करते हैं $100 को, दोबारा डिपॉजिट करके उससे बंदे दिया पुत्रा हार्ट ट्रेड लेने, ठीक है, और आपको अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम दोबारा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे हम आ गए डिपॉजिट पे, लो जी मोबाइल दो जी मेरा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पेमेंट हो चुकी है, वापस चलते हैं अपने अकाउंट में, तो हमारे अकाउंट में सक्सेसफुली आ चुके हैं, हाँ जी 100 पूरा आ चुका है जी। दोबारा हम जाएंगे काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। देखो यार मैंने अभी 20 कर लेते हैं भाई, लगते हो आप हो मेरी फैमिली, ये हकीकत आपको दिखाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। कंपाउंडिंग जो है ना, $1 से $5,000 जाना कोई आसान काम है, बताओ मुझे, या $100 से यार ये कंपाउंडिंग आप ज्यादा ज्यादा 15 ट्रेड प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन फिर भी लॉस होगा, बाइनरी ऑप्शन है, हकीकत है। चलो बहरहाल यहाँ पे अभी हम आपको हकीकत के मुताबिक जरा मजेदार अच्छी एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लेंगे और चलेंगे अच्छे प्रॉफिट के साथ इंशाल्लाह अज्जा वजल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी जी, यहाँ पे 3 ग्रीन, उसके बाद 3 रेड, फिर 2 रेड और 2 ग्रीन, 1 रेड, 2 ग्रीन, 2 रेड, लेवल भी बना है। उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट सेकंड के लिए डाउन या डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे, तीन डाउन डायरेक्शन। ओ ओ शिट, ओ कितना बेवकूफ हूँ यार मैं, व्हाट द हेल, मेरे काम देखो यार, मैं 10 सेकंड की ट्रेन लेके बैठ गया था। ए यार ऐसा ना किया करो यार, अगर ये 10 सेकंड की लास्ट में हो जाती, लास्ट थी, ये गलतियां होती हैं आपके भाई की, लेकिन 2 रिफंड हो गई हैं और ये 2 प्रॉफिट हुई है ना, 2 प्रॉफिट हुई है, 1 रिफंड हुई है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, टेंशन नहीं लेनी भाई, हो आप खाली भाई है ना, तो आ जाओ जी, हमने एनालाइज किया भाई साहब,
तीन ग्रीन तीन रेड तीन ग्रीन दो ग्रीन एक रेड दो ग्रीन दो रेड और इसके बाद हमें एक अच्छी एंट्री मिली इंशाअल्लाह। देखा डाउन डायरेक्शन के लिए आ गई थी लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया था यार, सच में इसको धोखा नहीं देना चाहिए था। ठीक है जी, हमें यहाँ पे थोड़ा सा तगड़ा वेट करना पड़ेगा तगड़ी एंट्री के लिए, तगड़ा वेट तो जरूरी है ना भाई। चल जा इसको कवर करने जा भाई, इसको कवर कर 30 सेकंड के लिए हम जाएंगे 30 सेकंड के लिए। जी अभी रेड आ रही है, ठीक है जी, ठीक है लेकिन बीच में हम ले सकते। ओ कमाल अली भाई, कमाल अली भाई, ये देखो बेवकूफी है, ये लॉस होनी चाहिए, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। यहाँ पे ट्रेड और ले यहाँ पर, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, खुल्ला मडुल्ला ऐसा ही होता है, परेशान है ना। अब ये लेवल को रीटेस्ट कर चुकी है, खतरा ही अपरा सीधा सीधा खतरा सीधा लास्ट सेकंड में सीधा खतरा। 5 4 3 2 1 ठीक है, फाइनली लॉस हमें देखने को मिला, सीधा सीधा खतरा था, लेकिन नेक्स्ट जो ट्रेड है हमारी शानदार प्रॉफिट रहेगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट ट्रेड हमारी शानदार प्रॉफिट रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। लास्ट सेकंड में ऊपर लेनी चाहिए थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है यार। मार्केटें एक दो और चेंज कर लेते हैं, और क्योंकि हमने 97 सेलेक्ट किए हैं तो पूरी पूरी ट्रेड ले रहे हैं, और हमें यहाँ पे तगड़ी स्ट्रेटजी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक ट्रेड मिल रही है, दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन दो रेड, यानी कि अगली मैं ग्रीन के लिए ट्रेड लेके जा सकता हूँ अच्छी अच्छे के साथ। हाँ जी, ये मुझे एक शॉर्ट शॉर्ट मिली है, ठीक है यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की मैं, ओ यार थोड़ी सी जल्दी ले ली। चले जी अगली भी कैंडल रेड के लिए आनी चाहिए, क्योंकि इस लेवल के पास इस कैंडल को आना है, इसको यहाँ पे लिखो, ये लेवल पत्थर की लकीर है, ठीक है क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में जीरो हो गया और ये मैं नहीं चाहूंगा लोग। लेकिन ये मुझे शॉर्ट शॉर्ट मिली थी इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखो दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन दो रेड दो ग्रीन दो रेड, अच्छी स्ट्रेटजी है और अप्लाई भी अच्छी होगी। ठीक है अभी हमारे पास 30 सेकंड के इर्द गिर्द हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, और इस वजह से, और इसके बाद हम लेंगे बंदे के पुत्र और ट्रेड करना। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा और वेट करेंगे, और मार्केट अगर ये रेड बनाती इस लेवल के पास आती है तो इसका मतलब अगली कैंडल ग्रीन के लिए जानी है। तो हम यहाँ पे पहले ही 20 सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अगली ट्रेड के लिए मुझे वेट, जो वो वेट कह रहा हूँ, मुझे लेट ना हो। ठीक है 10 9 8, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अच्छा 5 4 3 2 1 जी शानदार शानदार, ये गुड हो गया जी, गुड हो गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट हो गया। हम जो कंपाउंडिंग थी उसके भी लॉस रिकवर, और जो हमने डिपॉजिट किया उससे भी हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है तो अगली ट्रेड हम जाएंगे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, नहीं 2 मिनट की जगह पे, सबसे पहले यार इसको 5 मिनट पे एनालाइज कर लो कि 5 मिनट पे ये कैंडल क्या करे। ओए ओए इतनी बड़ी न्यूज की ट्रेड आए आए आए, तो यहाँ पे 5 मिनट की जो ट्रेड मुझे कह रही है, 2 ग्रीन 3 रेड 1 ग्रीन रेड, ठीक है लेवल है, तोड़ नहीं जा रहा। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, यानी कि स्मार्ट मार्केट ने ग्रीन कैंडल को फुलफिल करना है, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल आई है और मैंने वेट कर दिया, यानी कि स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। ठीक है हम अगली कैंडल को भी ग्रीन के लिए लेके जाएंगे, 2 ले लेते हैं यहाँ पे, हाफ में 2 ले लिए क्योंकि इसको फुलफिल करना है, हाफ में ही मैंने 2 ले ली है। ठीक है और यहाँ पे अगर तो ये मार्केट 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन 2 रेड 2 ग्रीन 2 रेड इसके मुताबिक फॉलो करे तो अगली भी ग्रीन है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर पैटर्न भी चेंज हो, और यहाँ पे स्पोर्ट था नीचे, देखो ना मैं आपको नीचे समझा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक स्पोर्ट था। ठीक है इस कैंडल ने इस वाली कैंडल को स्पोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है ओए होए कितनी नीचे भाई साहब, इसके ऊपर दी है, और वो तो हमने 2 पैटर्न भी चारे हैं तो इसको ऊपर जाना चाहिए, और मजे की बात है यहाँ पे 20 सेकंड पड़े हुए हैं, और वाह माशाल्लाह, क्योंकि हम लॉस में आ रहे हैं लेकिन इसको ग्रीन के लिए जाना चाहिए हर हाल में, क्योंकि पैटर्न चल रहा है ना, पैटर्न के अकॉर्डिंग तो इसको ग्रीन के लिए जाना चाहिए, इस वजह से मैं चाहूंगा ये ग्रीन के लिए, तो जा भी रही है अभी 10 सेकंड 8 अभी 8 आ जाना 8 7 6 5 4 अबे लास्ट सेकंड में नहीं अबे तेरी अबे देखो यार लास्ट सेकंड में हमारी लॉस हो गई, लेकिन इसी के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं एंट्री दोबारा ले रहा हूँ, यहीं पे एक और ले लेता हूँ। अब ये इंशाल्लाह फाइनली प्रॉफिट रहेगी, क्योंकि एक कैंडल नहीं तो दूसरी कैंडल ने हर हाल में जाना ही जाना है, हर हाल में ये भी प्रॉफिट। आज मार्केट का बिहेवियर बहुत ही अंत लेवल का है। ठीक है जी लास्ट सेकंड में हमारी यहाँ पे लॉस हुई थी, इसका मतलब ये लेवल तोड़ा, उसके बाद ये लेवल तोड़ा, पीछे बचा ये लेवल।
ठीक है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर होनी चाहिए इसकी, इसके लेवल के पास पास लास्ट सेकंड, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे ग्रीन के लिए जाने जाना है। ठीक है, अभी हमारे पास 20 सेकंड और 20 कह रहा हूँ 20 सेकंड पड़े हुए हैं, जो कि इंशाल्लाह हमारी इस वक्त अभी प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, बिहेवियर बहुत फास्ट है ना, अभी ये 10 मिनट पहले बिहेवियर फास्ट हुआ, पहले बिहेवियर अच्छा खासा था, लास्ट सेकंड में मार्केट पंप कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ये लास्ट सेकंड में हो रहा है। ठीक है, ये तकरीबन इसके हाफ में कवर करेंगे यहाँ पे क्योंकि इसके इर्द गिर्द यहाँ पे क्लोजिंग हर हाल में होनी चाहिए। 4, 3, 2, 1 चलो जी, बाढ़ में जाए हमारी प्रॉफिट होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, लो सारा लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस वक्त प्रॉफिट में आ गए, ये भी हमारी प्रॉफिट थी लेकिन लास्ट सेकंड में लॉस हुई है, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी यहाँ पे ठीक है, मार्केट के बिहेवियर के मुताबिक यहाँ पे हमें बस कर, यहाँ पे हमें वेट कर लेना चाहिए, लेकिन अगली वीडियो के साथ मैं बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी ला रहा हूँ। ये कंपाउंडिंग के बारे में जो अलीब भाई ने आपको बताया उसके बारे में मुझे कमेंट बताएं, और अब जो स्ट्रेटेजी बताई है इसके बारे में भी और नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी। आप लोग अपना ढेर सा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।